को घर के बाहर एक वॉल थी जो प्रोटेक्ट करती थी, हमने घर के साथ कंपेयर किया, फिर हमने अंदर आके देखा कि वहाँ पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। फिर हमने अंदर आके देखा तो हमारे घर में एक हेड भी था जो पूरे घर को कंट्रोल करता था, जिसको हमने बोला न्यूक्लियस। ओके, अब हम बात करेंगे कि अगर आपका घर है तो उसको पावर भी तो चाहिए, है ना, जिससे वो हमारे घर में हर एक चीज़ चले, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिले। जैसे अपने गद्दे में देखो पावर कौन प्रोवाइड करता है, जनरेटर। तो जनरेटर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको पावर प्रोवाइड करे, जो एनर्जी दे रहा है, ताकि आपका पूरे घर का हर मटेरियल इक्विपमेंट उसके ऊपर चल रहे हैं। ऐसा ही सेल के अंदर भी एक एनर्जी प्रोवाइडिंग सेल ऑर्गेनलीज है जो पूरे सेल को एनर्जी देता है, और जिसके बिना हमारे सेल काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी के बिना तो कोई मूवमेंट, कोई मेटाबॉलिज्म, कोई भी काम नहीं हो सकता। सो ऐसे सेल ऑर्गेनलीज को बोलते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो मैंने पहले भी बोला कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज हैव डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन का मतलब वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी दो मेम्ब्रेन है, लेकिन दोनों मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे से थोड़ी अलग है। अगर बाहर की मेम्ब्रेन देखो, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें बाहर वाली जो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, पोरस में पोरस स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन जो है इज डीपली फोल्डेड, मतलब उसमें बहुत सारे फोल्ड है इस तरह से, जैसे आपने विलाई में भी देखा होगा, अगर आपने कभी इंटेस्टाइन की डिसेक्शन की हो, सेक्शन कटिंग देखी हो, तो वहाँ पे भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर होने का मतलब, इसका मतलब इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर से अंदर का जो स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया है इनर में, वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ATP बनेंगे। क्या बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ATPs। तो ये भी वर्ड आपने पहली बार सुन रहे हो। तो ATP क्या होते हैं बच्चा, हमारे सेल को खर्च करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यही होती है ATP की फॉर्म में, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे आपको अब बाजार जाते हो सामान लेने, तो आपको कोई भी सामान लेना, बिस्किट ही लेने हैं, तो बिस्किट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा। तो आप उसको 5 रुपये दोगे, 10 रुपये दोगे तो बिस्किट मिलेगा, 50 रुपये दोगे तो चॉकलेट मिलेगा, है ना। तो जितने ज़्यादा पैसा दोगे उतना ही ज़्यादा मटेरियल मिलेगा। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी पूरे बॉडी के सेल को अलग अलग जगह पे एनर्जी पहुंचानी है, या पूरे सेल को एनर्जी देनी है, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो फोल्ड भी ज़्यादा होंगे ना, तो जितने ज़्यादा फोल्ड होंगे उतने ही यहाँ पे ज़्यादा ATP भी प्रोड्यूस होंगी। तो ये था मेन बेसिक कि अंदर वाली जो होती है वो फोल्डेड क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी तैयार होगी। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है ये। नेक्स्ट आ गया ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये याद रखना कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है आपकी बॉडी की एनर्जी है। आप जो भी काम कर रहे हो, खा रहे हो, तो इसी के लिए कर रहे हो सब कुछ, ठीक है। तो क्योंकि ATP बनेंगे तो हमारी बॉडी काम करेगी। ओके, नेक्स्ट, इसीलिए आपको बोला जाता है, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट प्रोड्यूस लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। यही है जनरेटर हमारी बॉडी का, जिससे हमारी बॉडी चलेगी। तो आप 2-4 दिन खाना मत खाओ, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो खाने पर ही चलेगा ना, तो उसको कुछ देंगे तो ये काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, सो कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। ध्यान से सुना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे बॉडी के, सॉरी पूरे सेल्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं, हर एक के पास DNA नहीं होता। सिर्फ 2 ऐसे सेल ऑर्गेनलीज हैं जिनके पास DNA होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से सुना इस चीज़ को, इसलिए इन दोनों सेल ऑर्गेनलीज को एक नाम दिया गया। बड़ी बार इवन कि ये बड़े बड़े पेपर्स होते हैं जो, वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, चाहे आपका मेडिकल पेपर होगा, कि नेम द सेल ऑर्गेनलीज दैट आर कॉल्ड सेल विद इन द सेल। ऐसे सेल ऑर्गेनलीज का नाम दो जो सेल के अंदर हैं लेकिन अपने आप में वो एक सेल है। तो वो 2 ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि सेल को, सेल ऑर्गेनलीज को जिंदा रहने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, न्यूक्लियस के ऊपर। लेकिन क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का DNA है, तो इनके पास अपना ही DNA है। अगर अपना DNA तो कोई प्रोटीन बना सकते हैं, अपना मटेरियल बना सकते हैं। तो जब अपना मटेरियल ही खुद बनाएंगे तो ये DNA पे डिपेंड नहीं हुई, इसलिए सेल के अंदर छोटे हैं लेकिन खुद में एक सेल, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेल विद इन द सेल। नेक्स्ट आ गया, तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका छोटे हुए स्ट्रक्चर जो था, ये समझ आ गया होगा कि क्या स्ट्रक्चर था, कितनी मेम्ब्रेन थी, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फ्लूइड होता है,
ओके मैट्रिक्स वो होते हैं उसको, उस फ्लूड के अंदर डीएनए भी होगा, उसके अंदर बहुत सारा ऑयल्स भी होंगे, मिनरल्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, क्योंकि अंदर से खाली नहीं होते हैं स्ट्रक्चर, तो इनके अंदर भी मैट्रिक्स होगा, अंदर मैट्रिक्स होगा, बाहर डबल मेम्ब्रेन भी होगी। तो ये था हमारा दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो आपको पता ही है अब आपके घर के अंदर हेड तो है, जनरेट भी होगी लाइट, मीन्स एनर्जी भी मिलगी, गेट कीपर भी है जिसने बाहर से एक कवरिंग है, जिसने अंदर किसी को आने नहीं दे रहे, तो क्या घर में खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए? आपको खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, घर में कोई बनाएगा, किचन भी तो होनी चाहिए ना, तो घर की जो किचन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं दैट इज प्लास्टिड, जिसको आप पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट डिटेल में। सो प्लास्टिड क्या है? तो प्लास्टिड की अगर हम बात करें, सो दैट इज आल्सो बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, इसमें भी ये दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड एक इनर मेम्ब्रेन, और आपको बता दूं इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी क्या होती है, स्पेस होती है, ठीक है। पहले प्लास्टिड या स्पेस होते हैं, इसको डायग्राम साथ साथ देख सकते हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डायग्राम देखते जाओ और मुझे ध्यान से सुनते जाओ। प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, क्यों ऐसा बोला, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लास्टिड क्या है, कलर या प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स या फिर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर जिनके अंदर पिगमेंट है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अलग अलग तरह के। अब ये पिगमेंट क्या करती हैं, मोस्टली ये लाइट को ट्रैप करती हैं और क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो क्या हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? क्या हम अपना खाना खुद तैयार करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये प्लास्टिड हमारे एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के अंदर। इसी पिगमेंट के कारण जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है, वो आप बोल सकते हो दे आर ऑटोट्रॉपिक, और ये एब्सेंट होने के कारण हमारी बॉडी में हम क्या है, हेटरोट्रॉप्स, इजंट इट। सो पिगमेंट के आगे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, सेम मैंने भी पहले बोला माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम था, उसमें भी डीएनए था, इसमें भी राइबोसोम है और डीएनए, राइबोसोम और डीएनए की मदद से ये प्रोटीन खुद बना सकते हैं। वो जो प्रोटीन बना सकता है तो वो एंजाइम भी बना सकता है, हार्मोन भी बना सकता है, बड़ी सारी चीजें बना सकता है, ओके। सो इसलिए इसको भी बोला जाता है सेल विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर एक छोटा सा सेल, ओके स्टूडेंट्स। ये था हमारा। अब बात करते हैं कि अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट का, जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है क्लोरोप्लास्ट का ना, तो क्लोरोप्लास्ट को देखो ये छोटी सी सेक्शन कटी है और इसके साइड अगर बाहर देखोगे मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन दिखेंगे डबल, वो डबल मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कॉइन की तरह, जो बहुत सारा ढेर है, तो जो एक कॉइन है उसके अंदर एक बहुत स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, तो लिखा होगा वहां पे थाइलाकॉइड, मतलब आप मान लो एक कॉइन आपके पास, उसको थाइलाकॉइड बोला आपने, वैसे ही कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रख दिया, फिर कॉइन एक रुपए का कॉइन आपका, उस ऐसे ही आपने 20 कॉइन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, देयर इज अ पाइल ऑफ कॉइंस, ओके। ऐसी मानो कॉइन क्या, थायलाकॉइड, तो 1 थायलाकॉइड 2 3 4 सो देयर इज 20 टू 40 40 टू 60 थायलाकॉइड प्रेजेंट इन अ पाइल, तो ऐसे थायलाकॉइड यहां पे जो प्रेजेंट होंगे पाइल्स के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो ग्रुप करेंगे और उसको आप बोलोगे दैट इज ग्रैनम, एक को बोलोगे ग्रैनम, जब ऐसे बहुत सारे देखो कितने सारे जो आपस में कनेक्टेड है, तो ये आपस में जुड़े होते हैं विद ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसको आप बोलते हो दैट इज फ्रेट। तो फिर से सुनो, एक मेम्ब्रेन है जिसको बाउंड करती है, उसके अंदर क्या फ्लूइड होगा, नेचुरल बात है, मैट्रिक्स बोलते हैं उस फ्लूइड को, स्ट्रोमा बोलते हैं, सो दो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, एंड इनसाइड द फ्लूइड देयर इज ए कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थायलाकॉइड्स, मतलब वो थायलाकॉइड आपस में जुड़ेंगे एक के ऊपर एक, लंबे लंबे पाइल बना देंगे, लंबे लंबे ढेर बना देंगे, किसके थायलाकॉइड के, उस पूरे एक ढेर को बोलोगे आप ग्रैनम, और ऐसे बहुत सारे ग्रैनम होंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, ओके। जैसे हमारी यहाँ पे बोन्स होती हैं अंदर आपस में जुड़ी होती हैं, इस तरह से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बात आती है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, इसी थायलाकॉइड के अंदर जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे अंदर नेटवर्क सा दिख रहा है, इन्हीं के अंदर होते हैं क्लोरोफिल, जिसका नाम सुना है आपने, और वही क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करके खाना बनाता है, इट मींस खाना इन्हीं जगह पे बनता है, मींस इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही खाना भी बनेगा, जो प्लांट बना सकते हैं हम नहीं बना सकते, ओके बच्चा। सो ये था आपका दैट इज क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा सा वो प्लास्टिक के होता है। अब हमारे पास प्लास्टिक की टाइप्स हैं, एक टाइप में अगर आप देखो सो इट इज ऑफ टू टाइप्स मोस्टली, देन फर्स्ट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोम का मीनिंग ये होता है दैट इज कलर,
और ब्लास्ट होगा पिगमेंट। सो एक ऐसी पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करती है। तो बच्चा आपने बड़ी बार देखा होगा, आपने बनाना देखा है येलो कलर का, आपने एप्पल देखा है रेड कलर का, ऑरेंज देखा है ऑरेंज कलर का, है ना। तो कहने का मतलब कि जो प्लांट्स के जो पार्ट्स देखते हो, फ्रूट देखते हो, उसमें जो कलर्स होते हैं, चाहे लीफ का भी कलर ग्रीन देखोगे, तो ये कलर कौन प्रोवाइड करता है? ये पिगमेंट ही करते हैं, प्लास्टिड ही करते हैं। और ऐसा प्लास्टिड जो कलर प्रोवाइड करता है, हमने उसको एक टाइप दे दिया, एंड दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ तक। इसी तरह से बड़े तरह के आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना, जो मैंने अभी बोला वो क्या है, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। आपने जेंथोफिल का नाम सुना होगा, कैरोटीन का नाम सुना होगा। ये सारी पिगमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर देती हैं अलग अलग फ्रूट्स को, है ना। जो भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग कलर देते हैं। फ्लावर के अंदर कलर देखो कितने सारे होते हैं, ड्यू टू द पिगमेंट्स। दूसरी टाइप की अगर बात करें, सो सेकंड टाइप जो है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस वाइट कलर पिगमेंट। फिर ये किस काम के हैं? तो ये काम क्या करते हैं, ये ज्यादातर स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करेंगे? या तो प्रोटीन्स को स्टोर करेंगे या फिर ऑयल्स को स्टोर करेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिड एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये पूरा मैंने फंक्शन भी बता दिया क्या है, और हमारे घर के अंदर किस तरह से रोल प्ले करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया।